भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। यक्षिणी साधना इस विषय पर मैंने करीब 40 वीडियो पहले डाल रखे हैं और वो जो 40 वीडियो थे वो उन यक्षिणियों के बारे में थे जो उद्यमेश्वर तंत्र में वर्णित है। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि और भी बहुत सारे प्रकार की यक्षिणियाँ और योगिनियाँ होती हैं जो अलग अलग तंत्र शास्त्रों में जिनका वर्णन आपको मिलता रहेगा। उसी में से एक यक्षिणी की साधना मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इनकी साधना करने से सिर्फ आपको जो अभिष्ट फल है, जो प्राप्ति होती है यक्षिणी के मिलने के बाद, यक्षिणी को आप तीन रूप में प्राप्त कर सकते हैं, एक अपने भार्या के रूप में, एक अपने माता के रूप में, एक अपने पुत्री के रूप में, ठीक है। तो जब आप इनकी साधना करते हैं तो बहुत सारा अभिष्ट फल आपको मिलता है। तो हम जिस यक्षिणी की आज साधना करने जा रहे हैं उनका नाम है चामुंडा यक्षिणी साधना, ठीक है। चामुंडा यक्षिणी जो है वो प्रत्यक्ष होती है कलयुग में भी, ठीक है, और साधना के बाद वो बहुत कड़ी तप आपका जो है परीक्षा लेती है। आप अगर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो बाकी जो मंत्र सिद्धि और मंत्र प्रयोग है वो एक तरफ, लेकिन कहा जाता है कि इनकी सिद्धि के बाद लक्ष्मी जो है वो प्रत्यक्ष होके आपके घर में रहती है। ये जो साधना पद्धति है इसको कामरत्न साधना पद्धति कहते हैं, ठीक है। कामरत्न एक ग्रंथ है और उसमें अलग अलग यक्षिणियों का वर्णन है, ठीक है। ये सात्विक विधान है, ये जो यक्षिणी का विधान है ये सात्विक विधान है। उस किताब में, उस पुस्तक में सारी जो शक्तियां हैं सबको सात्विक ही आवाहन करना है, तो मांस मदिरा या फिर पान तक का उसमें जो है त्याग कर देना है। जो सात्विक जैसे पूजा होता है वैसे ही सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और किसी निर्जन स्थान पर रोज आपको साधना करना है। इस साधना की शुरुआत जो होती है वो होती है एक दिन उपास करके, ठीक है, किसी ठंडे जगह पर रहें और कोशिश ये करनी है कि आपको क्रोध ना आए। रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें, मतलब कुछ नहीं बिछाना है, सीधे पृथ्वी पर शयन करें, ठीक है। और उसके अगले जो 7 दिन है उसमें आपको साधना करना है और उस साधना के दौरान में आपको सिर्फ मीठा भोजन ही करना है। तो पहला दिन आप पहले मीठा भोजन करेंगे और जब मीठा भोजन करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भोजन समाप्त नहीं करना है, आधा भोजन जो है छोड़ देना है। क्योंकि यक्षिणी की साधना है तो ये उच्चिष्ट साधना होती है, ठीक है, तो इसको जो है कहीं बहुत शुद्ध स्थान पे आप नहीं कर सकते, तो किसी अपवित्र स्थान पर जैसे श्मशान घाट हुआ या कहीं जूठन पड़ा हुआ है वैसे स्थान पर आप करेंगे। देखिए साधनाओं में क्या है कि जो सनातन धर्म है उसको 3 संज्ञा में बांटा गया है। जो साधनाएं होती हैं, एक साधनाएं उनकी होती हैं जो आकाश में रहते हैं, एक साधना उनकी होती है पाताल में जो रहते हैं, और एक वो होते हैं जो मनुष्यों के साथ जो है जो रहते हैं, ठीक है। तो भूत, प्रेत, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, ये सब एक संज्ञा में आते हैं, और यक्षिणी जो होती है वो यक्ष की पत्नी होती है, और अलग अलग यक्षिणियों के पास अलग अलग जो है तांत्रिक शक्तियां होती हैं। और ये सारी यक्षिणियां जो है ये
दीर्घायु वाली होती है, इनका बहुत लंबा जीवन होता है, ठीक है। तो जो भी साधक इनको सिद्ध करता है उनको ये बेड़ा पार लगा देती है, ठीक है। आते हैं वापस साधना विधान पर। तो साधना विधान में अपवित्र स्थान पर जप करेंगे। जो सतयुग था उसमें इसका 1000 का जाप रोज लिखा गया है। हम लोग उसको 4000 जाप हर रोज करेंगे, और उसमें जो विधान है उसमें 21 दिन का विधान है, लेकिन हम लोग 84 दिन का विधान इसमें करेंगे, क्योंकि ये कलयुग है, ठीक है। मूल विधान में 7 दिन आपको पृथ्वी पर शयन करना है, ठीक है, लेकिन हम कितने दिन करेंगे? 7 दिन पहले करेंगे, और फिर सात, फिर सात, फिर सात, फिर सात, मतलब 4 बार 28 दिन तक हम जो है पृथ्वी पर शयन करेंगे। फिर जो आपका आपका जो अपना जीवन शैली है उसमें आप लौट सकते हैं, ठीक है। तो जब आप पहला 7 दिन साधना करेंगे, वैसे ही मीठा भोजन किया, उसको आधे में छोड़ा, किसी अपवित्र स्थान पर गए, उसके बाद 4000 जाप किया, आ करके शयन किया, आपको 7 दिन के भीतर यक्षिणी का स्वप्न आएगा। यक्षिणी आप नहीं समझ पाएंगे, तो कोई बहुत ही भयावह दिखने वाली स्त्री का आपको स्वप्न आएगा, ठीक है। उससे आपको विचलित नहीं होना है, आपको ये समझ लेना है कि आपका जो साधना है वो सही दिशा में जा रहा है। अब कुछ लोगों को क्या है कि ये स्वप्न नहीं भी दिखाई दे सकता है, वैसी स्थिति में जो साधना है उसको पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे तो किसी ना किसी स्त्री के रूप में चामुंडा यक्षिणी आपके पास आएगी, और वो एक स्त्री के रूप में होगी तब भी आपको भय उससे जरूर लगेगा, ठीक है। वो आपको कुछ अभक्ष, ऐसा पदार्थ जो नहीं खाया जा सके, वैसा वस्तु आपको ला के देगी भोजन करने के लिए। आपका मन कितना भी विचलित हो उसको आप ग्रहण कर लेंगे, और ग्रहण करते वो सिद्ध हो जाएगी। जिस समय इन ये चामुंडा यक्षिणी की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए और आपका क्या कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गया, उसी समय से जो लक्ष्मी है वो प्रत्यक्ष होकर के आपके घर में निवास करेगी। कभी आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी। इसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, स्फटिक की माला का, आसन आप कमल का रख सकते हैं, ठीक है। वस्त्र कोई भी रहे, कोई उससे मतलब दुविधा नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं दिया हुआ है। दिशा जब भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं तो पश्चिम की तरफ हम लोग दिशा रखते हैं। मंत्र 3 बार बोलूंगा, आप लोग लिख सकते हैं। मंत्र है ओम नमो चामुंडे प्रचंडे इंद्रियाय, ओम नमो विप्र चांडालिनी शोभनी प्रकर्षनी कर्षय आकर्षय द्रव्य मानय प्रबल मानय हुम फट स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए। ओम नमो चामुंडे प्रचंडे इंद्रियाय, ओम नमो विप्र चांडालिनी शोभनी प्रकर्षिनी कर्षय आकर्षय द्रव्यमानय प्रबलमानय हुम फट स्वाहा। तीसरी बार सुनिए। ओम नमो चामुंडे प्रचंडे इंद्रियाय, ओम नमो विप्र चांडालिनी शोभनी प्रकर्षिनी कर्षय आकर्षय द्रव्यमानय प्रबलमानय हुम फट स्वाहा। इसका जाप करें, आप में से जो भी इस साधना को पूर्ण कर लेगा, मेरा ये विश्वास है कि जीवन पर्यंत उसको कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, इस साधना को करने से आपके आसपास एक सुरक्षा का भाव रहेगा, कोई तंत्र मंत्र यंत्र जो है आपके परिवार पर नहीं चलेगा, और इस मंत्र को किसी भोजपत्र पर लिख करके अगर किसी को यंत्र गुट्टिका के रूप में आप दे देंगे तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद उस पर भी किसी तरीके का अभिचारिक प्रयोग नहीं हो सकता है। तो एक साधना, और सोचिए उसका इतना लाभ है। तो आप सभी इसको करिए। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इस साधना ग्रुप में हम जो साधना का शुरुआती आयाम है वो आपको सिखाते हैं, जैसे आसन मंथन और भैरव साधना। जिनको डायरेक्ट मुझसे बात करना है वो मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे वेबसाइट है www.agortantrasya.com, या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करके उस
उस पर रुद्रनाथ @tm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव, रांची वाले भैरव बाबा, आप सभी को आनंद की कृपा दें।